अब मैं अपने मेहमान खुसूसी आली जनाब जितेश वी पाटिल आईएएस ज़िला कलेक्टर वो मजिस्ट्रेट ज़िला कामारेड्डी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इजहार ख्याल कीजिए। जश्न उर्दू के मौके पर मुझे यहाँ शामिल होने का जो एक मौका दिया है ऐसे ऑनरेबल अनिल कामिनेनी जी जो इस दुमकुंडा ट्रस्ट के चेयरमैन भी है और उसी के साथ यहाँ के जो लोकल ZPTC गारू हैं तिरुमल गौड़ गारू और वैसे ही माजी सरपंच गारू दुमकुंडा के और ख़ास करके जो तेलंगाना के सारे संस्थान से जो आए हुए लोग हैं और आने वाले जो लोग हैं उनको खास शुक्रिया क्योंकि तेलंगाना का जो एक हिस्ट्री है वो यहाँ आज हमें जानने का एक मौका मिला है। सो सिरनापल्ली वनपर्ति आत्माकुर जतप्रोल गदवाल सारे जो संस्थान है जो नाम अभी भूल चुके हैं वो आज फिर से याद दिलाने का जो एक बहुत ही अच्छा मौका जो मिला है उसके लिए मैं खास करके फिर से अनिल गारू को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि और उसी के साथ साथ उर्दू के जो जानकार है सभी को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए क्योंकि उर्दू जो है वो एक भारतीय लैंग्वेज है या हमारी खुद की एक भाषा है और इसके बारे में हमें बिल्कुल और जानने की ज़रूरत है क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी वस्तु की वजह से या किसी आस्ती की वजह से अमीर नहीं हो पाते हैं लोग। आपकी जब तक आपके पास हिम्मत है तब तक आपको कोई गरीब नहीं कर पाएगा। सो हिम्मत सिर्फ लफ्ज़ों से ही आती है। सो क्योंकि आप कई बार अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है तो उनको तो अभी और मौका मिलेगा लाइफ में दे विल फेस सिचुएशंस जब आप टूटने लग जाते हो अंदर से आपको जो सामने से जो अलग अलग सिचुएशंस आते हैं उसमें आपको लगेगा कि इसके पार कैसे निकल पाएँ तो आपको तब लिटरेचर ही काम आएगा। आपको हिम्मत जो है आप हमारे जो दादा परदादाओं ने जो एक हिम्मत वाले जो लफ्ज़ लिखे होंगे वही आपके जब माइंड में घूमेंगे तभी आपको एक ताकत महसूस होगी और इसका एक्सपीरियंस मैंने भी लिया है। तो मैं तो अब वही यहाँ बस इनॉग्रल प्रोग्राम के लिए ज्वाइन हो पा रहा हूँ लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पूरा दिन यहाँ पर बैठता बट फिर भी आई एम वेरी थैंकफुल टू रेस्पेक्टेड अनिल कामिनेनी सर फॉर इन्वाइटिंग मी हियर और मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे फेस्टिवल्स ज़रूर होते रहें। और इससे पहले पिछले साल भी एक फेस्टिवल हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि दुनिया में दक्कन एक नगीना है मतलब ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड इज़ डक्कन एंड आई फर्मली बिलीव दैट एंड उस डेक्कन का भी ज्वेल तेलंगाना है और उस तेलंगाना का ज्वेल हमारा कामारेड्डी है। सो मैं चाहता हूँ कि कामारेड्डी में बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स हैं जो उनको हमें खुद को निकालना है और हमारे लोगों को अपने ज़िले का नाम रोशन करना है। सो धीरे धीरे उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब दोमोकंडा ट्रस्ट के ऐसे बहुत नोबल इनिशिएटिव की वजह से एक मौका मिल पाता है हमें खुद के बारे में सीखने के लिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप जब भी भिकनूर जाएंगे तो वहाँ के स्टेपवेल को देखिए, आप लिंगमपेट जाएंगे तभी रास्ते के साइड में अभी एक नागन्ना बावी है उसको भी देखिए आप, उसी के साथ साथ पोचारम डैम है और निज़ाम सागर डैम है, फिर कौलास कोटा है। तो ऐसे अभी तो छोटा सा कुछ अगर हम कुछ कलाकारी करना चाहें तो भूल जाते हैं क्योंकि हम सब मोबाइल के आदि हो चुके हैं। सो बनी बनाई चीज़ हम लोग बस उसको कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन अगर जो करने के लिए बनाने के लिए जो एक कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है वो धीरे धीरे हम भूल ना जाए इसी को याद दिलाने के लिए आई गेस ये जश्न उर्दू बहुत ज़रूरी है। सो अपने जो कामारेड्डी के यूथ हैं और बुज़ुर्ग हैं वी ऑल हैव टू कम टुगेदर टू अनअर्थ दिस ट्रेजर वंस अगेन एंड सेलिब्रेट अवर ओन कल्चर। सो मैं अभी अनिल जी को बता रहा था कि सिरनापल्ली में जो एक वाटरफॉल है वो देखने के लिए हैदराबाद से लोग आते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि जब सिरनापल्ली तक आ ही चुके हैं तो फिर यहाँ भी आ जाए कामारेड्डी में और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए और धीरे धीरे ये जो लिटरेचर ऑफ कामारेड्डी है वो स्प्रेड होगा और हमें इस मौके पर याद रखना चाहिए कि उस टाइम पे जो दोमोकंडा ट्रस्ट के राजा थे उनका
अब पेन नेम याद है बस असगर। तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि उस टाइम पे तेलंगाना से एक राजा फारसी सीख के उसमें पोएट्री लिखता है तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अब तो हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ है, तो हमें तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, हर भाषा सीखनी चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके सीखनी चाहिए और उसी से हम अमीर बन पाएंगे। सो मुझे फिर से मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, आप अपनी गुनागु मसरूफियत के बावजूद, हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच।